सो गाइस बैकफ्लिप आपकी अभी भी खराब है, सो उसको ठीक कौन करेगा? हम करेंगे, लेट्स गो। सो ये वीडियो बिगनर्स के लिए है जो अभी बैकफ्लिप सीख चुके हैं या फिर उसके बाद वाले प्रोसेस में है। सो लेट्स गो। एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी एक्सरसाइज प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होगी, फ्लेक्सिबल नहीं होगी, सो आपकी फ्लिप में गड़बड़ होगी। स्ट्रेंथ तब मिलेगी तब आपकी एक्सरसाइज होगी, फ्लेक्सिबिलिटी जब बनेगी जब आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज होगी। एंड बॉडी वार्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये भी होता है कि अगर आपकी बॉडी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, फिट नहीं है, तो बैकफ्लिप करने में थोड़ी दिक्कत होती है। एग्जांपल ये देख सकते हो कि आप आते से बिना वार्मअप के बैकफ्लिप मारते हो, कैसा लगता है? एंड बैकफ्लिप वार्मअप के बाद। नंबर टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लोग नहीं करते हैं, प्रॉपर टक। टक इंपॉर्टेंट है, टक ऐसी चीज होती है, मतलब माना कि देखा जाए तो लेआउट इन चीजों में टक की जरूरत नहीं पड़ती है, बट एक प्रॉपर बैकफ्लिप के लिए आपको टक प्रॉपर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक प्रॉपर टक जो होता है वो चेस्ट के बिल्कुल पास होता है, ये याद रखना जरूरी है कि आपका टक मतलब आपका नी एंड चेस्ट जितना पास रहेगा आपकी फ्लिप उतनी क्लीन और परफेक्ट पड़ेगी। ये होती है परफेक्ट बैक फ्लिप, जिससे आप इजी हाइट ले सकते हो। समझ में आया? नंबर थ्री, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लर्निंग कर रहे हो, अगर लर्निंग स्टेज पर हो, अभी से इसकी आदत डाल लो, सीक्रेट बैक फ्लिप हाइट ट्रिक। आपको जंप इंप्रूव करना पड़ेगा। यस गाइस, अगर आपका जंप नहीं है इसका मतलब आपकी बैक फ्लिप हाइट अभी बिल्कुल नहीं होने वाली है। मैंने भी जब लर्निंग करी थी उसके बाद एक्सपीरियंस लगता कि नहीं, यहाँ पर जंप की जरूरत है तभी बैक फ्लिप हाइट जाएगी, देन जंप को इंप्रूव करा। नहीं, आपकी प्रैक्टिस जो है उसको साइड में रख दीजिए, आपको जंप जो प्रैक्टिस है उसको साइड में रख दीजिए, आपको डेडिकेटेड टक जंप एंड जंप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आप ट्राई कर सकते हैं, आपके पास इतनी टेबल जितनी कोई हाइट हो तो नीचे से ऊपर टक करके खड़े हो, ये ऊपर से नीचे फिरने। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपको प्रॉपर डेडिकेटेड उस चीज की भी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं आपका टक स्ट्रांग तो आपकी बैकफ्लिप ऑटोमेटिक स्ट्रांग। नंबर फोर, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये नहीं होती तो लोग गिर जाते हैं, जिसको बोलते हैं रोटेशन। यस गाइस, अगर आपका रोटेशन प्रॉपर नहीं है तो आप फ्लिप करते करते नीचे गिरोगे। एंड बैकफ्लिप हाइट का सीक्रेट भी एक यही है कि आपकी बॉडी ऊपर जाएगी, एक ही जगह रोटेट होगी, देन लैंड करेगी। सो आपको रोटेट करना पड़ेगा प्रॉपर। रोटेट का ट्रिक यही है कि आपको गर्दन फास्ट घुमाना है एंड टक जो है, लेग जो है, उसको फास्ट खींचना है। आप जितना फास्ट खींचोगे आपकी बॉडी उतनी ज्यादा फास्ट टर्न हो जाएगी, सिंपल। एंड नंबर फाइव, ये ऐसी चीज है जो कि हर कोई करता है, कोई नहीं करता है, सो ये चीज है डेली प्रैक्टिस। बहुत लोग होते हैं कि एक दिन करते हैं, एक वीक नहीं करते हैं, बहुत होते हैं कि जो एक वीक करते एक महीना नहीं करते हैं, सो आपको उनमें से नहीं बनना है। अगर आपको बैकफ्लिप क्लियर करनी है, हाइट क्लियर करनी, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप चैलेंज ले सकते हो कि कौन 50-50 बैकफ्लिप करता है, सो इससे क्या होगा, आपकी बैकफ्लिप की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड बैकफ्लिप क्लीन हो जाएगी। हमने इस तरीके से अपने फ्रेंड्स का चैलेंज करा था कि कौन 50-50 करता है, कौन 100-100 करता है, एंड इस तरीके से हमने कंप्लीट करी। मैंने एक बार 100 बैकफ्लिप का चैलेंज भी करा था जो कंप्लीट करा था। यस, सो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी बैकफ्लिप खराब होती है, तो ट्राई करिए इन चीजों को कंप्लीट क्लीन करिए एंड आपकी बैकफ्लिप को क्लियर पाइए। यप, यू कैन सब्सक्राइब चैनल अभी, मतलब कर दो और फॉलो करना इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।